पहला सवाल, दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़ के बानी थे सर सैयद अहमद ख़ान, अल्लामा शिबली नोमानी, अल्ताफ़ हुसैन हाली, मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका सही जवाब है अल्लामा शिबली नोमानी। दूसरा सवाल, शिबली के वालिद का क्या नाम है? शेख हसन यूसुफ, ख्वाजा अहमद, शेख अता मोहम्मद, शेख अबीबुल्ला। तो इसका सही जवाब है शेख अबीबुल्ला। तीसरा सवाल, सवाने अल्फारोक कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है? चार, तीन, दो, पांच। तो इसका सही जवाब है दो। चौथा सवाल, किस नाक़िद ने शिबली के सुबह उम्मीद को मुसद्दसे हाली पर तरजीह दिया है? आल अहमद सरूर, कलीमुद्दीन अहमद, शमसुर्रहमान फारूकी, गोबी चंद नारंग। तो इसका सही जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। पांचवा सवाल, शेरुल अजम का ताल्लुक किस नसरी सिंफ से है? तज़किरा, मजमून, तनकीद, इंशाइया। तो इसका सही जवाब है तनकीद। छठा सवाल, अंजुमन तरक्की उर्दू के पहले सेक्रेटरी का नाम क्या है? अब्दुल हलीम शरर, शिबली नोमानी, अकबर इलाहाबादी, मौलवी अब्दुल हक। तो इसका सही जवाब है शिबली नोमानी। सातवां सवाल, अलमामून क्या है? सवानी, खुदनविश्त, खाका, तज़किरा। तो इसका सही जवाब है सवानी। आठवां सवाल, महाकात और तखय्युल को शायरी के लिए किसने ज़रूरी ख्याल किया है? एहतिशाम हुसैन, कलीमुद्दीन अहमद, शिबली नोमानी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद। तो इसका सही जवाब है शिबली नोमानी। नौवां सवाल, हाली ने पुरानी तनकीद से अलग होकर नई तनकीद की इब्तिदा की, शिबली नई तनकीद और पुरानी तनकीद के बीच मालिक नजर आते हैं, ये किसका कौल है? करीमुद्दीन अहमद, ज्ञानचंद जैन, इम्तियाज अली अर्शी, अल्ताफ हुसैन हाली। तो इसका सही जवाब है कलीमुद्दीन अहमद। दसवां सवाल, शिबली के सफरनामा है सफरनामा यूरोप, सफरनामा रोम व मिस्र व शाम, सफरनामा पंजाब, मुसाफिराने लंदन। तो इसका सही जवाब है सफरनामा रोम व मिस्र व शाम। ग्यारहवां सवाल, मकातिब शिबली किसने मुरतब किया? रशीद हसन खान, सईद सुलेमान नदवी, जमील जालबी, मुहिद्दीन कादरी जोर। तो इसका सही जवाब है सईद सुलेमान नदवी। बारहवां सवाल, शेरुल अजम कितने जल्दों पर मुश्तमिल है? पांच, छ, चार, आठ। तो इसका सही जवाब है पांच। तेरहवां सवाल, शिबली ने किस किताब को अपनी पहली तसनीफ करार दिया? सवाने मौलाना रोम, मुआज़िने अनीस व दबीर, मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम, सीरतुन नौमान। तो इसका सही जवाब है मुसलमानों की गुज़िश्ता तालीम। चौदहवां सवाल, शिबली की सीरतुन नबी की तकमील किसने की? अब्दुल माजिद दरियाबादी, अब्दुस्सलाम नदवी, मुहिद्दीन अहमद नदवी, सईद सुलेमान नदवी। तो इसका सही जवाब है सईद सुलेमान नदवी। पंद्रहवां सवाल, अल्लामा शिबली का मज़ार किस शहर में है? लखनऊ, अलीगढ़, आज़मगढ़, हैदराबाद। तो इसका सही जवाब है आज़मगढ़। सोलहवां सवाल, उनमें से शिबली की नज़म कौन सी है? शहर आशूब इस्लाम, सुबह आज़ादी, सबरंग, तुलुए फिक्र। तो इसका सही जवाब है शहर आशूब इस्लाम। सत्रहवां सवाल, शिबली के शेरी मजमुआ है गुल नगमा, दस्ते गुल,
गुले तर गुल बदनी। तो इसका सही जवाब है दस्ते गुल। 18वां सवाल, उर्दू में तनकीद का एक ऐसा सरबुलंद रोशनी का मैयार कायम किया जिसकी नज़ीर अभी तक कायम न हो सकी, ये किसका ख्याल है? मौलवी अब्दुल हक, मौलाना आज़ाद, नियाज फतेहपुरी, नज़ीर अहमद। तो इसका सही जवाब है मौलवी अब्दुल हक। 19वां सवाल, शिबली के यहाँ जगह जगह रोमानी तनकीद की झलकियाँ नज़र आती है, वह उर्दू के पहले रोमानी नकाद है और उर्दू तनकीद को रोमानी रंग व आहंग से आशना करने का सहरा उन्हीं के सर है, ये किसका कौल है? खुर्शीदुल इस्लाम, आल अहमद सुरूर, इबादत बरेलवी, मजनून गोरखपुरी। तो इसका सही जवाब है इबादत बरेलवी। 20वां सवाल, किस अदीब ने शिबली को तारीख का मुअल्लिम अव्वल करार दिया है? शम्सुर रहमान फारूकी, महदी आफादी, रशीद जहां, काजी अब्दुल वदूद। तो इसका सही जवाब है महदी आफादी। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद होगी, तो हमारा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन भी दबाएं। खुदा हाफिज़।